कुंभकर्ण का राज। डॉक्टर साहब, हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि आप शुरुआत तो करें, दरअसल ये क्या कोई हकीकत है या फसाना, ये कल्पना है या झूठ है, क्या है, थोड़ा सा बताएं, कि दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि दरअसल था क्या कुंभकर्ण के साथ में। एक्चुअली अगर हम देखें, जिसे एक बीमारी कहते हैं, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, सोते समय खर्राटों के कारण ये बीमारी होती है। जैसा भी हमने आपको बताया कि सोते समय स्वतः सांस की नली स्वतः अपने आप बंद होने लगती है, स्पेशली अगर मसल टोन ढीली हो गई है, 30-35 साल की उम्र से ये प्रक्रिया शुरू होती है और 40-50 साल की उम्र में जैसे जैसे सांस की नली सक्रिय होती चली जाती है ये प्रक्रिया बढ़ जाती है। ज्यादातर ये चीज ओबिसिटी में होता है, यूरोपियन अमेरिकन में जो बहुत स्थूलकाय लोग होते हैं उसमें ये कॉमन होता है। इंडिया में ये परेशानियां एशियंस में, यहाँ की जो स्पेस होती है वो वैसे भी कम होती है और सोते समय वो बिना ओबिसिटी के भी कम हो जाता है। लेकिन जैसा कि वर्णन है उसमें कि कुंभकर्ण एक लंबा चौड़ा पुरुष थे जो कि आप कह सकते हैं कि 6 फुट से ऊपर रहे होंगे, उनका वजन करीब 150 से 200 किलो होना चाहिए, 200 किलो तक होना चाहिए। तो ओबिसिटी थी, उनकी नेक चौड़ी थी जो कि वर्णन मिलता है। सोते समय धीरे धीरे उनकी सांस की नली बंद हो जाती होगी और उसकी वजह से एक हार्मोन सेक्रेट होता है, लेप्टिन हार्मोन, हाइपॉक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी से, वो मोटापे को और बढ़ाता है। तो उसमें जो डिस्क्राइब करा गया है जो पुरानी बुक्स में, वो ये है कि धीरे धीरे वो जो उनकी खर्राटों की आवाज दूर दूर तक जाती थी, उनको उठाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब वो उठते थे तो वो बहुत खाना खाते थे, यानी उनकी ओबेसिटी था। और लेप्टिन हार्मोन प्रमोट करता है आपके भूख को, तो वो इस चीज से मैच करता है। उसके बाद वो सोते थे तो लोगों को सोने के, उनको जगाने के लिए बहुत घंटे घड़ियाल बजाने पड़ते थे जिससे उनकी नींद खुलती थी, उनको एक्सेसिव स्लीपीनेस की बीमारी थी। एक्सेसिव यानी कि